नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है YouTube चैनल डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। हम लोग BHU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2015 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार का नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर है और उनके उत्तर को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हम चौथी सीरीज की तरफ हैं और आज हम लोग पुनः 10 प्रश्नों को यहाँ पे लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं चौथी सीरीज। तो पहला प्रश्न जो है इस चौथी सीरीज में, क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज आर, यानी जो आशय और ज्ञान का जो प्रश्न है, क्योंकि क्राइम करने के लिए इंटेंशन की बड़ी आवश्यकता होती है, नॉलेज भी कभी कभी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आपको नॉलेज था या नहीं था। तो जो क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज है, क्या वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, या जो थर्ड ऑप्शन है मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉज एंड फैक्ट्स है, या फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो जो उत्तर होगा, क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज आर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, या फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि क्या वहां पे इंटेंशन है या नॉलेज है, ये फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, ये लॉ पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यानी कोई लॉ के बारे में जो प्रिजम्पशन है, ये लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको विच मे बी ओवरकम बाय एविडेंस इज कॉल्ड, यानी इसको किस के द्वारा ओवरकम किया जा सकता है, यानी इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं कि ये लॉ सही है या गलत है। तो इसके चार ऑप्शन यहाँ पे हैं, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन यानी पूर्णतया सिद्ध हो जाए, रिबटेबल प्रिजम्पशन जिसको आप रिबट कर सकें, तर्क के द्वारा उसको काट सकें, मैंडेटरी प्रिजम्पशन यानी कि जो बिल्कुल आपको मानना ही मानना है, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, और आखिरी है नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है कि आप उसको रिबट कर सकते हैं, यानी इसको तर्क के द्वारा आप मना कर सकते हैं कि यह प्रिजम्पशन ऑफ लॉ सही नहीं है। तो रिबटेबल प्रिजम्पशन इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डिसऑनर ऑफ चेक वॉज मेड ए क्रिमिनल ऑफेंस इन द ईयर, यानी इन द ईयर किस साल जो है डिसऑनर ऑफ चेक जो है उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है। इसका उत्तर है, इसके चार ऑप्शन है, 1986, 1987, 1990 एंड 1989। इसका सही उत्तर है 1989। 1988 में एक अमेंडमेंट आया और जो प्रभावी होता है 1989 से, तब जो जब ये प्रभावी होता है तब इसे जो है डिसऑनर ऑफ चेक को एक आपराधिक कृत्य माना गया, एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया। अगला प्रश्न है, विच पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ इट्स फ्रेमर, संविधान का कौन सा हिस्सा जो है संविधान को बनाने वाले के आइडियल्स और उनके मस्तिष्क के बारे में बताता है, यानी कि संविधान कैसा हो, ये कहाँ दिखाई देता है कि जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और आखिरी ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका सही उत्तर है प्रीएम्बल। अगर आप प्रीएम्बल को देखें तो प्रीएम्बल में जो है आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे भारत को एक संप्रभु, गणतंत्र, लोकतांत्रिक और इक्वलिटी जस्टिस की बात करते हुए इस प्रकार का संविधान बनाने की बात है। अगला है प्रश्न, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल इज इंस्पायर्ड बाई, भारतीय संविधान में जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात है, ये कहाँ से इंस्पायर्ड होता है, क्या वो रशियन के जो क्रांति थी वहाँ से आई है, यहाँ पे इस रेजोल्यूशन ने रेवोल्यूशन होना चाहिए था, तो क्या वो रशियन रेवोल्यूशन के द्वारा है, क्या वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित है, क्या वो मार्क्सियंस के थॉट से प्रभावित है, क्या वो गांधीयन के थॉट से प्रभावित है। आप सबको पता है कि फ्रेंच में जो क्रांति होती है वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है इसके द्वारा हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में रेवोल्यूशन होना चाहिए था। देन अगला प्रश्न है, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी इन सब में से भिन्न कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, बाकी तीनों राइट टू इक्वलिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ऑड कौन सा होगा जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी इसका उत्तर हुआ यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट जो है, किसके विरुद्ध जो है ये फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध है, क्या लेजिस्लेचर है, क्या एग्जीक्यूटिव है, क्या जुडिशरी है, या स्टेट। इसका उत्तर होगा स्टेट। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में यह भी कहा गया है
कि राज क्या नहीं कर सकता, यानी राज जो है फंडामेंटल राइट्स के बगैर के अगेंस्ट जो है कोई भी कानून नहीं बना सकता है। और आप बाकी जो है अनुच्छेद को देखेंगे, हर जगह राज्य को ही दायित्व दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट इंश्योर करेगा, अगर नहीं करता है तो आप उनके अगेंस्ट रिट की डिमांड कर सकते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। अगला प्रश्न है, राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर कंटेन्ड इन, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो अधिकार हैं किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28, यानी जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 30, अनुच्छेद 26 से 30 और चौथा ऑप्शन जो 25 से 31 है, यह सही नहीं है। इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द क्वेश्चन whether any and if so what advice was tendered by minister to the president would be correct, yani anuchhed 74 clause 2 mein jo pravadhan hai ki council of minister president ko advice dega, kya us jo advice hai kya usko court mein pucha ja sakta hai, iska uttar hoga it shall not be inquired in to any court, yani aap kisi bhi court mein ki koi bhi court jo hai इस बात के लिए आदेश नहीं दे सकता है मिनिस्टर्स को या प्रेसिडेंट को, वो बताएं कि उनको क्या एडवाइस दिया गया है मिनिस्टर के द्वारा, ना ही सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना ही हाई कोर्ट कर सकता है और ना ही किसी कोर्ट में इसको इंक्वायर नहीं किया जा सकता। ये एक प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी के भी बारे में है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव के मामलों में जो है जुडिशियल इंटरफियरेंस नहीं करती है। आखिरी प्रश्न इस चौथी श्रृंखला में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का जो संगठन है कि पार्लियामेंट में कौन कौन से अंग बनेंगे, कौन कौन होगा, उसका जो संगठनात्मक स्वरूप है वो किस अनुच्छेद में है, क्या अनुच्छेद 78 में है पहला ऑप्शन, क्या आर्टिकल 89 में है दूसरा ऑप्शन, क्या आर्टिकल 79 में है तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 80। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 79, जहाँ पे यह बताया गया है कि जो है पार्लियामेंट किन 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 कैसे बनेगा, कौन कौन उसके पार्ट होंगे, यह अनुच्छेद 79 में डिस्कस किया गया है, जहाँ पे बताया गया है पार्लियामेंट में जो है हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और प्रेसिडेंट से मिलकर जो है पार्लियामेंट बनेगा। तो इस प्रकार से इस चौथी श्रृंखला में हमने पुनः 10 प्रश्नों को कवर किया है। उम्मीद करता हूं आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। हमारा प्रयास है कि हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मुहैया कराने की कोशिश करें और आपको जल्दी से जल्दी इन सारे प्रश्नों को एक साथ लाकर धीरे धीरे करके एक साथ लाके आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर भी देते रहें। अगर आपको यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मित्रों के साथ साझा करें, जो आपके मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं इंट्रेंस एग्जामिनेशन की BHU के लिए या किसी और विश्वविद्यालय के लिए भी LLB के लिए, उन सब के लिए भी यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी लोगों ने इस चैनल को देखा और सब्सक्राइब किया और कृपया करके कमेंट भी करें। धन्यवाद।